नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के NH 33 स्थित एक होटल में दक्षिण पूर्व रेलवे का मंडलीय समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 13 सांसद उपस्थित हुए। साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे के GM छत्तरपुर, चकद्धरपुर और रांची डिवीजन के DRM सहित सभी रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। वैसे यह बैठक 4 घंटे चला। इन 4 घंटों में सभी सांसदों ने अपनी अपनी समस्याएं रेल GM के सामने रखा। वैसे जमशेदपुर के भागलपुर जाने वाले ट्रेन बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। यह मांग जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने पहले ही रखा था। उधर पश्चिम सिंहभूम के सांसद ने ट्रेन के ठहराव और रेलवे अस्पताल अपग्रेड कराने की मांग रखी। उधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या और उनका निदान कैसे हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले, यह जानकारी दक्षिण पूर्वी रेलवे के GM को दिया गया। जहां गीता कोड़ा सांसद ने कई रेलवे स्टेशन में कमी को बताया, कहां माल ढुलाई पर ध्यान रखते हैं, ट्रिंजरों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन लाइन है, अगर बन जाता है तो बरसों पुरानी जो लोगों इस उम्मीद से है कि कभी ना कभी ट्रेन का दर्शन हो जाए, और एक ऑलरेडी लिस्टेड लाइन है इसको कर दिया जाए, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि इसको हम लोग करें। दादा, ये बक्सर, टाटा बक्सर के लिए हमने उन्हें कहा, टाटा बॉक्सर का ऑलरेडी जब रेल बजट में हमने कह रहा था तो मंत्री जी हमको बुलाए थे पूरा स्टेज के, लेकिन उन्होंने कहा कि टाटा बॉक्सर एकदम चलेगा, एक्सटेंशन लाइन के लिए बातचीत हो रहा बॉक्सर में। तो अभी एक जो हमारे जो सिन्हा जी थे स्टेट रेल मिनिस्टर और जो बनारस के, इनका वो एक बहुत अच्छा स्टेशन बना, और अगर बॉक्सर से ज़्यादा नहीं। आज दोनों मंडलों की बैठक भी हो रही है, क्या क्या चीज़ों को लेकर? देखिए, रेलवे इसमें कोई शक नहीं है, विगत दिनों कई अच्छे काम रेलवे बोर्ड में हुए हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई सारे स्टेशन में काफ़ी अच्छे काम हैं, लेकिन अभी भी रेलवे को बहुत से काम करने बाकी हैं, खासकर जो छोटे स्टेशन है उसको लेकर के काम करने की आवश्यकता है। जहाँ पर आज भी आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, आज भी वहाँ पर कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ शौचालय नहीं है। मैं इसलिए नहीं ये बोलूँगी क्योंकि बना जरूर है लेकिन वो हमेशा बंद रहता है, उस शौचालय का उपयोग नहीं हो सकता है। कई ऐसे स्टेशन हैं जो आज भी अंधेरे में रहते, क्योंकि दिन में ट्रेन आती है उसके बाद वो पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, बदमाशों का अड्डा बन जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।